जनकपुर में 24 घंटे इमरजेंसी ओपीडी सेवा हुई शुरू। शाम 5 बजे के बाद भी डॉक्टर मरीजों का कर रहे हैं इलाज। न्यूरो फैकल्टी के आने से जल्द ही ट्रॉमा सेंटर को भी किया जाएगा एक्टिव। एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने दी जानकारी। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त अजीत कुमार की अध्यक्षता में मोबाइल कोर्ट का किया गया आयोजन। दिव्यांगजनों की सुनी समस्या। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांगजनों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। नगर निकाय चुनाव में बूथ बदलवाने को लेकर प्राप्त आवेदनों को देखते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने पार्षद प्रत्याशियों के साथ की बैठक। कहा, प्रत्याशियों के मांग के अनुसार बदला जाएगा जर्जर व कम जगह वाले बूथ को। महानगर में नगर निगम की समस्त बंद दुकानों का सामूहिक रूप से रजिस्ट्रेशन होगा निरस्त। पुनः की जाएगी सामूहिक रूप से नीलामी। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने करेत्तर वसूली की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक हुई संपन्न। उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किए जाने का संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पीएम वाणी योजना के अंतर्गत भुगतान आधारित हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट सेवा का एम्स निदेशक प्रोफेसर सुरेखा किशोर ने एम्स में किया शुभारंभ। कहा, हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से एम्स में आने वाले मरीजों को मिलेगी राहत। भारत में लगभग 10 लाख लोग मिर्गी रोग से हैं पीड़ित। राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस पर लोगों को मिर्गी रोग के लक्षणों एवं कारणों के उपचार के बारे में दी गई जानकारी। सीएमओ ने कहा, किसी को भी हो सकता है मिर्गी रोग। समय से कराया जाए इलाज तो पाया जा सकता है इससे छुटकारा। जागरूकता की कमी से 3/4 पीड़ित लोग मिर्गी बीमारी के ट्रीटमेंट से हैं वंचित। मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में एक शातिर चोर कमलेश कुमार निषाद को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और मौसम में बदलाव होने से लोगों के इम्यून सिस्टम में भी होता है बदलाव। जुकाम, खांसी, बुखार जैसी बीमारियां हैं आम। SIC डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने कहा, रहे सतर्क, मौसम के हिसाब से खुद को करे तैयार।